स्टेशन पर लूटने का एक नया तरीका सामने आया। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो हो जाइए सावधान। एक आदमी जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता, इतने देर में उसके पास एक आदमी आता और बोलता है कि सर आप अपना कान साफ करवा लीजिए, आपके कान में काफी मैल दिख रहे हैं। ऐसे कहकर बार बार उस आदमी को परेशान कर रहा था, लेकिन वो आदमी बार बार मना कर देता और उस कान साफ करने वाले से परेशान होकर वो आदमी थोड़े साइड में जाकर खड़ा हुआ, जहां पहले से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, अपने बुकिंग गाड़ी का इंतजार करने लगा। फिर वो कान साफ करने वाला वहां से चला गया। उतने में बगल में एक जूता सिलने वाला मोची बैठा था, वो बोला कि बच गया। इतने में आदमी सुन लिया और उस मोची से पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोले कि बच गया। फिर मोची ने जो बताया उसे सुनकर आदमी के होश उड़ गए। ऐसे और जागरूकता वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मोची ने कहा कि लोगों के कान साफ करने के दौरान कुछ ऐसी दवाइयां डालते हैं जो कुछ देर बाद वो आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसके सारे सामान लेकर वो गायब हो जाते हैं। क्या सफर करने के दौरान आपके साथ भी कुछ ऐसा घटना हुआ है? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।